पहले यहाँ पे लोगों ने नुकसान करना शुरू किया, लोगों ने किया। गुजरबांडी वाला मंदिर जो उन्होंने तोड़ा है, इन्होंने यहाँ के लोगों, यहाँ के लोगों ने, फिर लाहौर से वहाँ से आदमी आए, उन्होंने देखा और दूसरे जगह जमीन में पड़ा हुआ है। मैं आपको थप्पड़ मारूंगा ना, फिर आप मुझे भी मारेंगे। पहले हम लोग इनकी चीज़ों को छेड़ते हैं, उसके बाद ये लोग ना पहले मारे मस्जिदों को, हमारी बात गाँव को, ये इसको नुकसान तो भी पहुँचाता है, दोनों तरफ गलत है, लेकिन गुस्सा आता है तो फिर करते हैं। ये बताएं, आप तो मेरे से ज्यादा दीन को भी जानते होंगे, इस्लाम को भी जानते होंगे, क्योंकि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे इतना नहीं पता। ये बताएं, हमारा मतलब ये कहता है कि किसी के दूसरों को नुकसान? नहीं नहीं, हमारा दीन ये नहीं कहता। ठीक है, तो फिर हम क्यों, तो मतलब यो अगर नुकसान पहुंचा, अगर नुकसान पहुंचाया जाता है, क्यों पहुंचाया जाता है? हमारा दीन कहता है कि इनकी इबादतगाहों की हिफाजत करो, वो हमारी मस्जिदों को नहीं छेड़ेंगे। पाकिस्तानी कश्मीरी ने तोड़ डाला हिंदुओं का मंदिर। भाई मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ पाकिस्तान का एक ऐसा वीडियो जिसको वहां पे कश्मीरियों ने हिंदू मंदिर को तोड़ दिया है। भाई आप देख के चौंक जाएंगे कि वो मंदिर की हालत भी क्या है। मैं चलता हूँ पाकिस्तान, लेकिन उससे पहले दुबई शेख का बयान है। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिया है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिर की जो हालत है और क्यों तोड़ा गया है। भाई वहां पे पाकिस्तानी चाचा ने भी जवाब दिया है, पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। हमारे मुजफ्फराबाद में इस टाइम 3-4 मंदिर, हमारे मुजफ्फराबाद में कोई ऐसा मंदिर है जिसकी कंडीशन बेहतर हो, मतलब जो इस टाइम कह लें कि एक्टिव हो मंदिर? एक्टिव नहीं नहीं, ऐसी ऐसा कोई भी नहीं है। ये आगे टांगा स्टैंड पे चले जाए, इसका ये भाई शायद बता रहे थे, उसका क्या नाम है? इसकी इससे ज्यादा बुरी हालत है उसकी, आप जाके अभी देख लें। इधर से कुछ 5 मिनट का रास्ता है, पूरी हालत क्या, यानी कि गिरा हुआ है बिल्कुल, पत्थर ऐसे पड़े हुए हैं। इधर तो फिर थोड़ी नजर आ रहा है ना, इसकी बेस नजर आ रही है, उसके तो खाली पत्थर ही नजर आ रहे हैं, बिल्कुल गिरा हुआ है। अच्छा, ये देखें जी, ये अगर ये पत्थरों को देखें, और जैसे ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर बकायदा आके यूनिवर्सिटी से रिसर्च के लिए लोग पत्थर लेके या इस यहाँ की चीज़ें लेकर जाते हैं ताकि देखा जा सके इसकी हिस्ट्री क्या है। और हिस्ट्री की तरफ अगर हम जाते हैं 5,000 साल 6,000 साल पहले जाते हैं, तो यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी ही रहती थी। आपको इस चीज़ से एग्री करते हैं कि पहले यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी रहती थी, मुसलमान बाद में आए? जी पहले ज़ाहिर है ये मंदिर बना हुआ है तो यहाँ रहते होंगे, लेकिन ये अब आज़ाद हो गया है, तो अभी आज़ाद कश्मीर में ये मुजफ्फराबाद में वाक़ है, तो अभी तो नहीं रहते। कोई भी बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए, सिख भी आते हैं यहाँ पे, हिंदू भी आते जी हैं। ये आगे टांगा स्टैंड पे सिख एक दवाखाना भी है उनका। हाँ। उनके बारे में मैंने किसी से सुना था कि इधर मंदिर को कोई गिराने वाले थे या गिरा रहे थे, उन्होंने रोका बकायदा तौर पे, वो गवर्नमेंट से स्टे लेकर आए हैं। ये इस खबर के अंदर आपको क्या, ये जो जिन सिख भाई की आप बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, गिराने वाला कोई भी मामला हुआ इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो अगर इसकी नहीं, वैसे ओवरऑल किसी और मंदिर, ओवरऑल मैंने नहीं सुना इस बारे में कोई भी ऐसी कोई। अच्छा, अभी जो इन्होंने बात की है कि यहाँ पे एक सिख भाई हैं जिनका दवाखाना है, उधर भी जाते हैं, उनसे बात करते हैं, और वो मेरे ख्याल से ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा जो प्रॉपर हिस्ट्री है वो भी बता पाएंगे, और ये भी बता पाएंगे कि क्या वजह है, क्यों नहीं इनको प्रॉपर मेंटेन किया जाता, क्यों नहीं इसे एज ए हिस्टोरिकल प्लेस ही हम ले लें, मतलब हमारा रेवेन्यू जनरेट अपने मतलब के लिए ही हम इसे अगर प्रॉपर मेंटेन करें तो काफी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे बाजार से, तो एक और मंदिर हमें ऊपर नजर आया है, उसकी कंडीशन भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में भी डेफिनेटली जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला खोखर है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं, यहाँ के लोकल हैं, यहाँ के शुरू से यहाँ पे यहीं से रहने वाले हम? ठीक है। इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये मंदिर है, इसके अलावा और भी यहाँ कोई मंदिर है? मंदिर जगह जगह पे है, एक वगिनानी होटल के पीछे मंदिर है, वो ओपन है। ये जो है इसके आस पास पे इन्होंने दीवार बना के अंदर थोड़ा अपना सामान रखा हुआ है, और उनका अंदर यहाँ आना जाना नहीं है। कुछ अरसा पहले लाहौर से आए हुए थे कुछ उनके सिख पात्री जो होते हैं, वो उन्होंने यहाँ के ये इतराज़ किया था कि ये जगह मंदिर की है, यहाँ पे आपने घर क्यों बनाया, इसके आसपास घर क्यों बनाया हुआ, तो उसके लिए यहाँ के जो हमारे मुसूदर रहमान साहब हैं, उन्होंने आकर इस जगह को अलाटमेंट देखी कि किस किस जगह तक इनका निशान लगा, फिर वो निशान लगा कर गए, कहते हैं ये जगह मंदिर की है और ये इस तरह से रास्ता है, और इसके पानी जो है यहाँ पे जो मकीम पानी बना हुआ है ये उस वक्त का जनाली हिंदुस्तान पाकिस्तान जब गठा था, ये उससे पहले का, उससे भी पहले का पानी उन्होंने मतलब बढ़ा के टंकियाँ रखी हुई, पत्थर की बनी हुई टंकियाँ, और यहाँ से सारी दुनिया से बाजार वाले सारे मल्ले वाले होटल वाले यहाँ से पानी लेकर जाते हैं। अच्छा, ये अभी भी वहाँ से पानी? हाँ, अभी भी हाँ, यहीं से लेकर जाते हैं। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले का ये मंदिर बना है, और वहाँ तब उन्होंने पानी टंकी बनाई थी, वो ये सबका सारी तरफ हमारी यूज हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो होते हैं जो उनके भगवान होते हैं या मूर्तियाँ? वो नहीं है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना उन्होंने अपना सामान उठा के ले गए थे, और खाली खाली था, बाहर से इन्होंने दीवार लगाई थी। अभी यहाँ पे आपने बोला बहुत से मंदिर हैं, मैंने तो 3-4 दिन से यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे ऐसा नहीं नजर आई, एक दो गिलानी होटल के पीछे मुझे नजर आया। पीछे है एक आगे सिंधी में भी है, आगे जाके जनाब अली और चिनारी से पार गुजरबांडी एक इलाका है, वहाँ पे उनके मंदिर हैं, वहाँ से आगे कुछ कोठी आ जाती है बाड़ा रहती, वहाँ पे भी उनके मंदिर शादरा वाली साइड, शादरा भी है, और ये आगे चुकोठी के साइड पे भी है।
अच्छा, इसका मतलब मंदिर काफी ज्यादा मौजूद है इस टाइम पे। उनकी आबादियाँ होती थी वहीं वहीं पर उन्होंने अपनी इबादतगाह बनाई हुई थी। जैसे हमारे मुसलमानों की मस्जिदें हैं तो हमारी इबादतगाह है, ऐसे उन लोगों की भी इबादतगाह थी। तो जब यहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने नुकसान करना शुरू किया, फिर उन लोगों ने हमारी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। पहले यहाँ पे लोगों ने नुकसान करना शुरू किया, लोगों ने किया वो गुजरबांडी वाला मंदिर जब उन्होंने तोड़ा, इन्होंने यहाँ के लोगों ने फिर लाहौर से वहाँ से आदमी आए, उन्होंने देखा और दूसरे जगह जमीन में पड़ा हुआ है। उसके बाद तो फिर उन्होंने कहा कि जी अरे हमारे इबादतगाह को नुकसान पहुँचाते हैं, फिर उन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ा, शहीद हुए, बहुत सारा नुकसान हुआ। हमें जो हिस्ट्री बताई जाती है वो ये बताई जाती है वहाँ पे मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, लेकिन ये मेरा कहना नहीं है, ये इन बुजुर्गों का कहना है कि पहले यहाँ पे नुकसान, पहले मैं आपको थप्पड़ मारूंगा ना फिर आप मुझे भी मारेंगे, पहले हम लोग इनकी चीज़ों को छेड़ते हैं, उसके बाद ये लोग ना पहले हमारी मस्जिदों को, हमारी बादगाहों को, ये इसको नुकसान पहुँचाता है। दोनों तरफ गलत है लेकिन गुस्सा आता है तो फिर करते हैं। ये बताएं, आप तो मेरे से ज़्यादा दीन को भी जानते होंगे, इस्लाम को भी जानते होंगे, क्योंकि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे इतना नहीं पता। ये बताएं, हमारा मतलब ये कहता है कि किसी के दूसरों को नुकसान नहीं, नहीं, हमारा दीन ये नहीं कहता। ठीक है, तो फिर हम क्यों, तो मतलब यो अगर नुकसान पहुंचा, अगर नुकसान पहुंचाया जाता है, क्यों पहुंचाया जाता है? हमारा दीन कहता है कि इनकी इबादतगाहों की हिफाजत करो, वो हमारी मस्जिदों को नहीं छेड़ेंगे। ये मैं इस दीन को फॉलो करने वाला हूं कि भाई रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। हमारा दीन तो ये कहता है अगर वो गलत बात करते हैं तो हमारा काम उनको कलमा पढ़ाना, कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो बात अगर नहीं मानेंगे तो ठीक है, आप दूसरी तरह चाहे आपको तो मारना। अभी ये जो कंडीशन है इधर, यहाँ पे जो कंडीशन मैंने देखी है, ये वीडियो लेट्स सपोज अगर वहाँ के लोग देखें, उन्हें कितना दुख होगा, दुख होगा, बहुत दुख होगा। ये अंकल रो रहे हैं, मतलब जज्बाती इमोशनल हो गए हैं थोड़े से। हमारा अपना जो होता है ना जी, आप किसी की माँ बाप को गाली नहीं देंगे तो हमारे माँ बाप को गाली नहीं देगा। हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, हमारा नुकसान कोई नहीं करेगा। हम किसी की इबादतगाह को खराब नहीं करेंगे, गिरजाघर है उनके तो रहने दो। उनके बाद वो तो इतना भी, उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान जब गठा था उस वक्त उनके वो चौक का चौक कहते थे, जैसे हमारे ये चौक है, इस चौक के ऊपर हम ऊपर पांव रेखा चले जाते थे, वो कहते ये खराब हो गया, मुसला आ गया अंदर, इतना तक वो करते थे। फिर उसको गोबर से लपाई करते थे और पेशाब गाय का, उससे उसके पेशाब करते थे, कहते थे ये हमारी इबादतगाह के अंदर क्यों आए मुसलमान। ठीक है, लेकिन तो वहाँ पे थोड़ा जो मैं देखता हूँ माहौल चेंज हो गया, वहाँ पे एक दूसरे को बड़े मोहब्बत के साथ हैं, इस तरीके से करते हैं। मुझे लास्ट में ये बता दें, देखें इनसे इन्फॉर्मेशन लेकर अच्छा लगा, लेकिन बातें सुन के बहुत बुरा लगा कि देखें हम एक तरफ पीस की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, दूसरी साइड पर जब ये चीज़ें देखते हैं दुख होता है और इससे इमेज खराब होता है, मेरा इमेज खराब होगा, इनका इमेज खराब होगा। ठीक है, खैर अभी वो चले गए हैं, यहाँ पर ही हम बात को वाइंड अप करते हैं। मजीद यहाँ पे जो कोई मंदिर है या जो भी प्लेस ऐसी है वहाँ का हम विजिट करेंगे, देखेंगे वहाँ की क्या कंडीशन है। आइए मेरे साथ जी। तो अभी हम एक और मंदिर में मौजूद हैं जिसके बारे में हमें ये बताया गया था कि ये जो मंदिर है प्रॉपर एक्टिव है, यहाँ पर लोग आते हैं, सफाई का निज़ाम भी है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं, ये पीछे अगर आप देख सकें, ये गेट है जिसे ताला लगा था, हमने परमिशन ली और फिर हम अंदर आए और अंदर की जो कंडीशन है वो देखें, आपको दिखाते हैं। ये देखते हैं यहाँ जो एक्टिव जिसे कहा जाता है कि मंदिर एक्टिव है, उसकी कितनी सफाई है और किस तरीके से यहाँ पे अंदर जो चीज़ें हैं, आए देखते हैं जी। और मेरे ख्याल से सफाई का तो आइडिया नहीं अंदर कैसी होगी, लेकिन आप भी शूज़ उतार दें और हम भी शूज़ उतार लेते हैं जी। तो हम आ चुके हैं अंदर, ये जो इसका मेनर, ये देखें जी, बड़ी खूबसूरत किस्म की ये सीनरी बनी है इसे, मैं मतलब मुझे नहीं पता क्या कहा जाएगा, लेकिन ये कैमरे से आप फोकस कर लें, जो देखने वाले हैं वो देख लेंगे। ये कंडीशन देखें यहाँ पे, ये जो कंडीशन है इसकी, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, देखें जो है वो है, ये नीचे अगर ग्राउंड दिखाई जाए तो ग्राउंड काफ़ी हद तक इसकी साफ़ है, मतलब एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे हमने मंदिर विज़िट किए हैं उनके, एज़ कम्पेयर टू काफ़ी हद तक साफ़ है। और बिजली का भी थोड़ा सा निज़ाम है लेकिन उस तरीके से नहीं है, ये जो कंडीशन है आप देख सकते हैं। जब यहाँ के मुकामी लोगों से हमने बात की है तो उन्होंने ये बोला है कि बल्दिया वाले आते हैं, कभी सफाई भी करते हैं यहाँ की, लेकिन ऐसा एक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग आकर अपनी जो उनकी इबादत है वो करते हैं। यहाँ पर आई थिंक मूर्ति को जो सा वो इस तरीके से किया गया होगा, और ये चीज़ें देख के हमें हिस्ट्री की तरफ हम चले जाते हैं, मतलब आज से अगर पार्टीशन से पहले की बात करें, यहाँ पर हिंदू अपने जो मज़हब है उसकी उसके मुताबिक इबादत करते होंगे, साथ मस्जिद है वहाँ पे मुसलमान इबादत करते होंगे, लेकिन फिर पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि मोहब्बतें नफ़रतों में बांट दी गईं, तब्दील कर दी गई और इस तरीके से सारा जो सा इन्वायरमेंट है वो बना दिया गया। आपने देखा पाकिस्तानी कश्मीरी ने कैसे हिंदू मंदिर को तोड़ा गया है, पाकिस्तानी चाचा ने अपना जवाब दिया है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई शेख की ओर। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई शेख। मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, आप लोग क्यों गुस्सा होते हैं जब आप लोग कोई में कमेंट में तुम लोग को गाली देता है या तुम्हारे ऊपर हंसता है या कुछ करते है? ये समझो कि तुम लोग ऊपर जा रहा है, ये समझो कि ये इंसान जो आप लोग के लिए गंदा कुछ लिखते है कुछ भी बोलता है ऐसा, ये जल रहा है
तो आप लोग लाजम खुश रहेगा, नहीं जवाब देगा ना वो, क्योंकि अगर आप लोग जवाब दिया तो उसका और आपका वही बराबरी होएगा। तो मेरे प्यारे भाई लोग, हम नहीं देखो हमको कितना लोग क्या क्या बोलते हैं, हम हंसता है क्योंकि हम मालूम है कि हम पहुंच रहा है ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, हम जानते हैं कि लोग जर रहा है। तो आप लोग मेरे भाई लोग और बहन लोग माशाल्लाह, आप लोग जो भी आप लोग ऊपर ऐसा कुछ लिखेगा या गाली देगा, समझो कि आप लोग ऊपर जा रहा है और आप लोग नंबर वन बन रहा है। तो लोग जलते हैं तो जलने दो, जलने वालों को जलने दो। शुक्रिया मेरे प्यारे भाई लोग। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के लिए खड़े रहता था। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।